बाद बोर्ड कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 फरवरी से 12 फरवरी 2024 तक राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थीं। बिहार बोर्ड ने लगभग सवा महीने के बाद इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस वर्ष तीनों संकाय की टॉप 5 की लिस्ट में 24 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इन 24 टॉपर्स में से आधी से ज्यादा यानी 13 लड़कियां हैं। 87,629 परीक्षार्थी पास हुए हैं। विज्ञान में 87% परीक्षार्थी पास हुए। इस साल विज्ञान के टॉपर जीएम उच्च विद्यालय सिवान के मृत्युंजय कुमार रहे। उन्होंने 481 अंकों के साथ 96.20% हासिल किए। आर्ट्स स्ट्रीम में तुषार कुमार ने टॉप किया। तुषार ने 482 अंकों के साथ 96.40% प्राप्त किए। वहीं कॉमर्स स्ट्रीम में प्रिया कुमारी ने टॉप किया है। प्रिया ने 478 अंकों के साथ 95.60% हासिल किए। साथ ही आपको बता दें कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में से प्रत्येक संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को 1,00,000 रुपए, लैपटॉप, मेडल और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। वहीं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को 75,000 रुपए, लैपटॉप, मेडल और प्रशस्ति पत्र तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को 50,000 रुपए, लैपटॉप, मेडल और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के तीनों संकायों में चौथा, पांचवा और छठा स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को 15,000 रुपए, लैपटॉप, मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। दरअसल बिहार बोर्ड ने यह एक नया रिकॉर्ड बनाया है। परीक्षा खत्म होने के सिर्फ 38 दिन बाद ही 12वीं कक्षा के रिजल्ट सबके सामने ला दिए गए, जो कि काफी बड़ी बात है। आमतौर पर परीक्षा के नतीजे आने में काफी समय लग जाता है, पर इस बार बिहार बोर्ड ने बहुत जल्द यह काम कर दिखाया। इस तरह की तेजी ने न केवल छात्रों का दिल जीता है, बल्कि यह शिक्षा के क्षेत्र में भी एक मिसाल कायम करती है। रिजल्ट जल्दी आने से छात्रों को कई तरह के फायदे भी होते हैं। बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के परिणाम की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई। रिजल्ट की घोषणा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर द्वारा पटना स्थित मुख्य सभागार में दोपहर के समय की गई थी। परिणाम के साथ स्ट्रीम वाइज पासिंग परसेंटेज, टॉपर्स के नाम की भी घोषणा की गई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।